राज्यसभा का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के कुल 10 सीट का फैसला होना है, जिनमें सपा की 2 सीट और बीजेपी का 9 सीट पर कब्जा तय है। मामला 10वीं सीट को लेकर फंसा हुआ है। अब इसके लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों राजा भैया को अपने पाले में खींचने में लग गए हैं। इसी सिलसिले में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कल राजा भैया से मुलाकात की। भूपेंद्र चौधरी के साथ ही उत्तर प्रदेश के मंत्री जेपीएस राठौर भी थे। इसके एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष नरेश उत्तम ने राजा भैया से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए राजा भैया का समर्थन मांगा था। कहा जा रहा है कि नरेश उत्तम ने राजा भैया की फोन पर अखिलेश यादव से बात भी कराई थी। राजा भैया की पार्टी में 2 विधायक हैं। अगर समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार को जीतना है तो फिर राजा भैया का वोट जरूरी होगा। वैसे वहीं बीजेपी ने अपने 8वें उम्मीदवार के लिए भी उनसे वोट मांगा है। इसके पहले कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया। यूपी में कांग्रेस अमेठी, रायबरेली, वाराणसी समेत 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तय किए जाएंगे, यानी कि एनडीए गठबंधन में शामिल अन्य किसी दल को सीट देने की कोई आवश्यकता होगी तो वो समाजवादी पार्टी के कोटे से ही दी जाएगी। पहले चर्चा थी कि अखिलेश यादव 1 सीट चंद्रशेखर आजाद को दे सकते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। इस समझौते में खास बात यह है कि अखिलेश यादव ने वाराणसी की सीट पर अपना दावा छोड़ दिया है और ये सीट कांग्रेस को दे दी है। समाजवादी पार्टी ने एक दिन पहले यहां पर अपने उम्मीदवार का ऐलान किया था। सुरेंद्र पटेल को टिकट देने की घोषणा भी की थी, लेकिन अब इस सीट पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बदले में मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही दल काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने इसका श्रेय प्रियंका गांधी को दिया।